हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही प्यारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, जो है हमारे कॉलर वाले ब्लाउज को लेकर या कॉलर वाली कुर्ती को लेकर। जब हम देखिए कॉलर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए नए सीखने वाले हैं, उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए वो ब्रॉड गला या डिप नेक तो बना लेते हैं, लेकिन जब कॉलर बनाने की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलर वाला कोई भी कुर्ती या ब्लाउज बनाते समय हमें जो है शोल्डर कितने रखने चाहिए, उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई गहराई हमें कितनी रखनी चाहिए, जिससे जो है इधर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई लोग देखिए बना लेते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं रहता, और कई बार जो है उनके यहाँ से जो कंधे हैं वो बहुत ही ज्यादा खिंचते हैं, बहुत ज्यादा फिटिंग वाले टाइट हो जाते हैं, तो पहनने के बाद बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। और दूसरा, कई लोग इतना लूज कर देते हैं कि पहनने के बाद यहाँ से जो है कुछ इस तरीके की ऐसी लाइन वगैरह सामने पहनने के बाद बनने लगती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलवट आती है, वो भी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो क्या मिस्टेक होती है जिनके कारण ये प्रॉब्लम आती है, और आप कैसे इनका समाधान कर सकते हैं, यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी अगर आप कॉलर बना रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल कॉलर बना रहे हैं, चाहे जो हम कोट वगैरह में बनाते हैं उस तरीके की कॉलर बना रहे हो, किसी भी तरीके की कॉलर आप बना रहे हो, उसमें आपको किस तरीके से आर्म होल लेने हैं, उसका आज सही और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। इन सभी ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका भी ब्लाउज या कुर्ती या जो भी आप कॉलर वाली कुर्ती या ब्लाउज बना रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट और कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कॉलर वाला ब्लाउज है जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये जो कॉलर बनी है वो गले से एकदम चिपकी हुई बनी है। तो अलग अलग तरह की कॉलर लोग बनाते हैं, जो पहली होती है जो एकदम राउंड नेक होती है, जो हमारे नेक से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, तो ये वही कॉलर है। इस पर मैंने थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आगे कुछ इस तरीके का गला मैंने हल्का सा खुला रखा है, और पीछे से भी कुछ इस तरीके का इसमें ये डिजाइनर लुक दे दिया है। तो ये इस तरीके की कॉलर मैंने बनाई है। अब कई लोग थोड़ी सी गले से चिपका कर भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा गले से हटाकर भी उनको बनाना है, तो आप इसमें मेजरमेंट कैसे लेंगे ये आप ध्यान से देखिए। इसी के अनुसार जो है अगर आप मेजरमेंट रखेंगे तो आपका कुर्ती ब्लाउज जो भी आप कॉलर वाला बना रहे हैं वो एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए नॉर्मल जब हम कोई गला बनाते हैं तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से गले पर निशान लगाते हैं, जैसे गला हमने 2 इंच ले लिया, यहाँ पर 5 से 5.5 इंच नॉर्मल हम यहाँ पर आर्म होल लेते हैं। लेकिन जब आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से आर्म होल हमेशा ज़्यादा रखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि अलग अलग चेस्ट साइज के हिसाब से आपको यहाँ पर कितना आर्म होल रखना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका चेस्ट साइज 30 है तो आपको यहाँ पर आर्म होल तकरीबन 8 इंच रखना ही रखना है। 8 इंच यहाँ पर आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट आएगा, और इसकी गहराई भी आपको तकरीबन 8 या 7.5 ही रखना है। यहाँ पर आपको इसकी गहराई 7.5 या 8 ही रखना है, जो हम यहाँ पर गहराई लेते हैं इस तरीके से, ये आपको इतनी रखना है। ये हमारे 30 साइज के लिए हो गया। अब यहाँ कोई 30 प्लस है, जैसे कोई 36 साइज का है, तो उसके लिए आपको यहाँ कितना आर्म होल रखना है, उसके लिए आप यहाँ पर तकरीबन 8.5 या 7.25 भी रख सकते हैं। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा हैवी साइज़ का है, आपको साइज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई अगर ज़्यादा हेल्दी है तो आप यहाँ पर 8.25 भी रख सकते हैं, वरना 36 के लिए यहाँ पर 8.5 हमारा जो है आर्म होल एकदम परफेक्ट रहेगा, और इसकी लंबाई भी आपको तकरीबन 8 इंच रखनी है। यहाँ से जब हम इस तरीके से लंबाई लेंगे तो यहाँ से आपको तकरीबन 8 इंच रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कोई 36 से भी प्लस साइज है, कोई 40 साइज है, कुछ इस तरीके का साइज है, तो यहाँ पर भी आपको जो है इस तरीके से अपना आर्म होल 9 इंच का रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है आर्म होल 9 इंच का रखना है, और इसकी गहराई जो है 8 इंच इस तरीके से रखनी है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग साइज के हिसाब से हमें यहाँ पर जो है आर्म होल लेना है, और उसकी जो है लंबाई अलग अलग साइज के हिसाब से यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाते जाना है, नीचे लंबाई को 1/2 इंच बढ़ाना है,
और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच तकरीबन बढ़ाते जाना है। जैसे हमने 8 ले लिया, 30 साइज के लिए हमें 8 रखना है यहाँ पर। 36 साइज का अगर कोई है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 8.5 रखना है, 8.5। अगर कोई 40 साइज का है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 9 इंच पे रखना है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, कॉलर जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पर कॉलर का मेजरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब कॉलर का मेजरमेंट कैसे लेना है आपको देखिए, अगर आप एकदम अपना जो है राउंड एकदम चिपका कर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल भी उसको मतलब दूरी से नहीं बनाना चाहते, तो आपको यहाँ पर इसकी जो है चौड़ाई 1.5 इंच रखनी है और यहाँ पर गहराई तकरीबन 2 इंच रखनी है और इस तरीके से हल्का शेप आपको दे देना है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गले से चिपका हुआ आपका मेजरमेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा गले से दूर कॉलर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से दूर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, 1.5 इंच से यहाँ पे 2 इंच पर बढ़ा लीजिए और यहाँ पर नीचे भी हल्का सा 1/2 इंच का और आप जो है बढ़ा लीजिए और इस तरीके से इस पर हल्का सा, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है, हल्का सा आपको कर्व शेप इस तरीके से दे देना है। तो ये कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर जो है हाफ कॉलर बनाना चाहते हैं तो हाफ कॉलर के लिए आपको क्या करना है, हाफ कॉलर के लिए आपको सबसे पहले गले का मेजरमेंट लेना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 इंच ले लिया और इसमें गहराई आप जो चाहे ले सकते हैं, जैसे मैंने ये 5 इंच ले ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का एक बॉक्स बना लेना है, ये हमने बॉक्स बना लिया। इसके बाद आप यहाँ भी कोई भी गले का शेप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बस आपको यहाँ से जो है इतने इंच की दूरी पर, जितनी दूरी से आप जो है अपनी नेक बनाना चाहते हैं हाफ नेक, उतनी दूरी पर आपको निशान लगाना पड़ेगा और यहाँ से जो चाहे आप कोई भी गोल शेप, पान शेप, जो भी चाहे वो यहाँ पर गले को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से बाद में आप अपनी नेक को यहाँ पर लगा लेंगे तो नेक जो है आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगी। तो ये हमारी हाफ नेक हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ हाफ नेक का एक डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आप जो है कॉलर है कितनी दूरी से आपको लेनी है यहाँ पर उस हिसाब से, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ से लिया है। तो ये पहनने के बाद जो है बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में, बहुत ही कम्फर्टेबल भी होता है। तो इस तरीके से आप नेक की दूरी भी अपने अपने जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग बना सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप गले में एकदम चिपका के बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर जो है कॉलर की दूरी इस तरीके से आप मेजर करके बनाइए, या फिर आप थोड़ा सा गले से दूर से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के गले या हाफ नेक भी आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से ड्राइंग करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कॉलर नेक बनाते हैं तो हमें जो है यहाँ पर आर्म होल हमेशा ज़्यादा रखने हैं। 30 के लिए हमें यहाँ पर 8 रखना है, 36 के लिए 8.5 और 40 के लिए 1/2। इस तरीके से हमें 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ाते जाना है और यहाँ पर भी हमें लंबाई सेम रखनी है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें, जब हम आर्म होल लेते हैं तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का एक निशान ज़रूर बनाना है और उसके बाद यहाँ से गले से यहाँ पर इस तरीके से हमें इस तीरे को लगाना है यहाँ पर। ये डाउन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है देना, क्योंकि अगर आप ये डाउन नहीं देंगे और जब आप इस पर जॉइंट लगाएंगे कंधे पर, यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगाएंगे कपड़े में, तो अगर ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो ये खसक कर नीचे आएगा और पहनने के बाद यहाँ पर जो है आपकी सल वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पर पड़ने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी साइज की नेक बना रहे हों, चाहे बिल्कुल राउंड नेक बना रहे हों, चाहे हाफ नेक बना रहे हों, या हाफ कॉलर बना रहे हों, या फुल कॉलर बना रहे हो, कोई सी भी कॉलर बना रहे हों, जो भी कॉलर आप बना रहे हों उसमें आपको यहाँ 1/2 इंच का डाउन ज़रूर देना है। और अगर कोई ज़्यादा हैवी साइज़ का है तो आप उसमें 1 इंच का भी डाउन दे सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अगर आप कॉलर कुर्ती या कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं और उसे बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अपनी कटिंग में ज़रूर ध्यान रखिए कटिंग ही करते समय, क्योंकि जैसी आपकी अगर परफेक्ट कटिंग होगी तो आपका ब्लाउज या कुर्ती भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं कटिंग स्टिचिंग के बारे में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कटिंग स्टिचिंग की इसी तरह की यूज़फुल जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।